गुप्ता का जन्म हुआ, इन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके सुंदर गुणार्वाद स्वस्थ वाचन बुलवाया। ओम स्वस्ति इंद्रो रथस्रवाहा स्वस्तिरः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ता रक्षो वर्षिणेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों को अनेक गौओं का दान दिया। जातकम कार्यामासम वाचित्वाच मंगलम, बालक के समस्त जातक संस्कार करवाए, बहुत से भूमि दान, बहुत से ब्राह्मणों को दान, धेनु दान, स्वर्ण दान को दिया। और अर्जुन की बात को याद आया, यह बालक का नाम रखा परीक्षित और बताया ईसम दाता शरण्यम यशम शिवसीनरा, ये बालक बड़ा बलशाली होगा, हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी होगा, दानियों में शिवी जैसा होगा। और समस्त गुणार्वादों को करके ब्राह्मण चले गए। बालक का नाम विष्णु रात, क्योंकि ताम रात्रि विष्णु भगवान ने गर्भ की रक्षा की थी, इसीलिए इस बालक का नाम विष्णु रात रख दिया। विष्णु रात नाम रखा। पांडवों ने सोचा कि भगवान चले गए तो हम यहां रह करके भी क्या करेंगे। पांचों पांडव द्रौपदी के सहित ये भी उत्तराखंड के लिए चले गए। और चलते चलते बद्रीनाथ धाम थोड़े से आगे निकली ब्यास गुफा, और ब्यास गुफा से आगे निकलते ही सबसे पहले द्रौपदी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। युधिष्ठिर जी ने धर्म से पूछा, धर्म को बोला कि तुम्हारी कैसी नीति है, कैसे द्वापर युग में हम पांच भाई बड़े जो बैठी रही और द्रौपदी हम में सबसे कनिष्ठ है, छोटी है, और वो अपना शरीर छोड़कर के चली गई। धर्म ने कहा, भैया यह द्रौपदी को पांच पतियों के साथ विवाह संस्कार किया गया, लेकिन इसने अकेले ही अर्जुन से अधिक स्नेह किया। और तुम्हें तो पता है कि पत्नी का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। एक ही धर्म एक पत्नी मां, एक ही धर्म एक पत्नी पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है कि अपने पति की सेवा करना। आजकल बेचारे पत्नी धर्म भी निभाए तो क्या है। एक मुझे दृष्टांत याद आता है, एक गांव में एक माता जी का एक बेटा, और जब बेटा छोटा था सब पिताजी चल बसे, माता जी आस लगाए रखी बेटा बड़ा होगा, बहू घर में आएगी, भोजन बना करके मुझे खिलाएगी, मेरी सेवा करेगी। विवाह होकर के बहू घर में आई, लेकिन किसी सिटी की अच्छी पढ़ी लिखी बहू घर में आ गई, माता जी भोजन बना करके दे दिया करें, बेचारी बैठी बैठी खाया करे। कि दिन बालक कहीं बाहर निकल गया और रात्रि को उसने फोन किया, अभी माताजी मैं 11 बजे तक आ रहा हूं, स्टेशन से भी मैं उतर करके जल्दी घर आऊंगा, स्वास्थ्य मेरा थोड़ा हल्का है तो मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी पका लेना। माताजी ने सोचा कि बेटा भूखा आ रहा है, तुरंत ही माताजी खिचड़ी पकाने के लिए रसोई घर में पहुंची और खिचड़ी पकाने की तैयारी में जुटी थी, तब तक बहू रानी ऊपर से उतर करके नीचे आ गई। माताजी क्या कर रही हो? अरे बेटा थोड़ा स्वास्थ्य बालक का हल्का है, अभी ट्रेन से उतर करके आ रहा है तो खिचड़ी का फोन किया है, तो थोड़ी सी खिचड़ी बना रही हूँ। बहू बोली, तो माता जी तुम क्यों परेशान हो रही हो, उनके लिए खिचड़ी तो मैं पका दूंगी। तो बेटा तुम बना लो। अब बहू रानी खिचड़ी बनाने लगी, माता जी अपने कक्ष में पहुंच गई। अब होम साइंस से एमए बहू,
खिचड़ी कभी देखी नहीं, पकाने की तो बात क्या है। उसने सोचा कि खिचड़ी को कैसे बनाया जाता है, आजकल तो यूट्यूब पर चाहिए सीख लो। लेकिन उसने तुरंत ही बुक्स खोला, किताब खोल करके देखा कि खिचड़ी पकाने का क्या तरीका है। देखा कि 250 ग्राम इसमें मूंग की दाल, 250 ग्राम चावल है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा नमक और कुकर में डाल करके 2.5 लीटर पानी और 250 ग्राम दाल चावल और कुकर ने सीटी मारी, समझ लिया खिचड़ी बन गई और उठा करके रख दिया। बहुरानी कक्ष में जाकर के सो गई। बालक आया, बालक ने आकर के हाथ पर धोया, माता जी खिचड़ी, माताजी खिचड़ी को लेकर के आई। कुकर को खोल करके देखा तो उसमें 250 ग्राम मूंग की दाल चावल और 2.5 लीटर पानी, पानी ही पानी। अरे सोचा द्वारा बनाऊंगी, विलंब हो जाएगा, सो थाली में डाल करके इसे चम्मच डाल करके बालक के सामने रख दिया। बालक ने एक चम्मच खिचड़ी को उठाई और पानी को देख करके कहा कि माँ 60 वर्ष की उम्र हो गई और क्या खिचड़ी ऐसी बनती है। माँ बोली, बेटा आज की खिचड़ी मैंने नहीं बनाई, आज की खिचड़ी तो बहुरानी ने बनाई। हाँ माँ, मैं वही तो सोच रहा था कि पतली तो जरूर है पर स्वाद बहुत अच्छा है। पतली जरूर है लेकिन स्वाद का क्या कहना। अब बेचारी पतिव्रता धर्म निभाए, आज धर्म कह रहा है अर्जुन यही दुष्यंत, द्रौपदी को 5 पतियों के साथ विवाह संस्कार किया गया लेकिन इसने अकेले अर्जुन से प्रेम किया, जीवन में जल्दी ही जाना पड़ा और थोड़े से आगे बढ़े कि नकुल सहदेव ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। धर्म से कहा कि मेरा सबसे कनिष्ठ भाई, सबसे छोटा भाई, इसने प्राणों को क्यों छोड़ा। धर्म कहने लगा इसे अपनी सुंदरता का घमंड था और जीवन में कभी भी अपनी सुंदरता का गरूर नहीं करना चाहिए। जीवन में घमंड का अंकुर बिल्कुल किसी का भी नहीं होना चाहिए और नहीं तो जीवन में जल्दी जाना पड़ता है। सहदेव नकुल दोनों ही चले गए। थोड़े से आगे बढ़े कि भीमसेन ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। युधिष्ठिर ने धर्म से कहा कि बताओ मेरा भीम जैसा भाई कभी होने को नहीं, बताओ कितना बलशाली भाई और इसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। धर्म ने कहा कि केवल ही अन्न का पात्र था, अन्न अधिक खाता था और जीवन में अधिक अन्न खाओगे तो उतनी उम्र कम होती जाती है। अन्न उतना ग्रहण करना चाहिए जिससे हमारा शरीर सुचारू रूप से चल सके, अन्न उतना ग्रहण करना चाहिए। थोड़े से आगे बढ़े कि अर्जुन ने अपने प्राणों को छोड़ दिया और अर्जुन ने प्राणों को छोड़ा। धर्म से युधिष्ठिर जी बोले कि मेरा अर्जुन जैसा भाई, ऐसा वीर भाई, ऐसा धनुर्धर भाई होने को नहीं है, मेरे भाई ने कैसे प्राणों को छोड़ दिया। धर्म ने कहा युधिष्ठिर जी इनको भी अपनी धनुर्विद्या का घमंड था, जीवन में किसी प्रकार की विद्या आ जाए तो उसका घमंड नहीं होना चाहिए नहीं तो जीवन में जल्दी ही जाना पड़ता है। अकेले युधिष्ठिर रह गए। युधिष्ठिर से धर्म बोला कि तुम्हारे साथ ये कुत्ता पैदल चल चल करके साथ जा रहा है, इसे तुम वापस कर दो तो मैं आपको सशरीर यमपुरी को ले चलूं। युधिष्ठिर ने कहा कि यमपुरी नहीं, अमरावतीपुरी नहीं, गौलोक नहीं, वैकुंठ नहीं, साकेत नहीं, मैं तो 84 लाख योनियों में या कुंभी पाख या अंधतामस नरक में चला जाऊं, अधम नरक में चला जाऊं, लेकिन मेरे साथ चलने वाले कुत्ते को तो वापस नहीं कर सकता क्योंकि 4 पैर, कोई किसी के सामने चलता है तो वो पंथ भाई बन जाता है और ये स्वान कितने दिन से मेरे साथ चला आ रहा है, क्या मैं इसको वापस कर दूं। नरकों को जा सकता हूं लेकिन वापस नहीं करता हूं। तुरंत ही साक्षात यमराज सामने प्रकट होकर के कहा कि तुम जैसा सत्यवादी मुझे कोई नहीं मिला, ऐसे मेरी धर्मसभा में है और तुम ही चल करके प्राणियों को उचित अनुचित दंड दिया करोगे। तो युधिष्ठिर जी को सशरीर यमराज लेकर के
और धर्म सभा में स्थापित कर दिया। इनका नाम धर्मराज युधिष्ठिर बन गया। परीक्षित शासन को चलाने लगे। परीक्षित एक दिन कलयुग का आगमन हो गया था और परीक्षित जी गए अश्व पर बैठ करके प्रजा में देखा तो विपत्ति काले विपरीत बुद्धि। हमारे मन में यदि कभी हमारे स्वभाव का गलत विचार आने लगे तो समझ लो कि हमारा समय विपरीत हो गया। परीक्षित ने देखा कि छोटी सी काशी फल की बेल में 40 किलो का फल। सोचा भगवान बड़ी गलती करते हैं, देखिए छोटी सी तातू में 40 किलो का फल, ये अच्छा है क्या? भगवान मिलेंगे तो कहेंगे कि तुम्हारी गलती है। आगे के रसालाया, आम का बहुत बड़ा वृक्ष था, छोटे फल को देख करके मंत्री से कहा यह भगवान की दूसरी गलती। आज वो 40 किलो का फल इस बड़े वृक्ष में होता तो सुंदरता लगती और छोटा फल उसमें होना चाहिए था। भगवान का ठीक है तो मैं आपको परीक्षा दे दूंगा। दो घड़ी वहां विश्राम किया। जैसे वहां बैठे ऊपर से एक तोता का रूप रख करके चोंच फल में मारी भगवान ने, फल टूट करके परीक्षित जी की नासिका पर गिरा। परीक्षित जी को 48 मिनट के लिए मूर्छा आ गई। उन्होंने होशाली पर मंत्री से कहा कि सबरी गलतियों को काट दो, भगवान करते वो अच्छा करते हैं। आज 40 किलो का फल ऊपर से गिरता और मेरी नासिका पर पड़ता तो बताओ मैं जीवित रहता कि मरता? भगवान करते अच्छा ही करती है। मंत्री जी को वापस कर दिया। सोचा कि संत हैं, चलो मैं मिलने के लिए चलूं। और जैसे संत के पास में चले कि सामने चल करके देखा कि द्वापर युग चला गया, कलयुग का बस हो गया है। एक काला काला पुरुष एक पैर पर खड़ी हुई गई को और बाण से मार रहा है। एक पैर पे बैल बेचारा थर थर कांप रहा है और वो ग्रसे हुए खड़ा है। परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में इसकी ऐसी दशा, और जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है उसी नरकों को जाना पड़ता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जासु राज प्रिय प्रजा दुआरी, जासु राज प्रिय प्रजा दुआरी, जासु राज जासु राज प्रिय प्रजा दुकारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुकारी, प्रजा दुकारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुकारी, तेरे रख आवत नरक लगवारी, तेरे रख आवत नरक लगवारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है उसे नरकों को जाना पड़ता है। परीक्षित ने ये अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके कलयुग से बोला बता तू कौन है, मेरे प्रजावासियों को परेशान कर रहा है। तुरंत ही हाथ जोड़ करके कलयुग पैरों में गिर पड़ा। महाराज मैं भी तो तुम्हारी प्रजा में हूं, क्या मैं प्रजा में नहीं हूं? अब वो शरण में आया तो याद आ गई कि शरण में आयो की भी रक्षा करना चाहिए। शरणागत को जोत जय हित जन हित जन मान, ते नर पामर पाप मैं जिन ही बिलो कतिहा। शरण में आयु की रक्षा नहीं करती है, उन्हें देखने से पाप लगता है। अब क्या करना चाहिए, इसको मारना चाहिए छोड़ना चाहिए? तो परीक्षित ने पूछा कि क्यों तुम कौन हो कि महाराज मैं कली, तुझे मैं गुण क्या है? महाराज मुझे गुण, मुझ में इतना गुण है। बोले दो वेर द्वारका त्रिवेणी हूं, तीन बार चार बार काशी के अंक के नहाए से,
चार बार पांच बार गंगा जी, छह बार बद्रीनाथ, सात बार बद्रीनाथ आच मन कराए से। रामनाथ बैजनाथ झारखंड बाले शिव बद्री और केदारनाथ दसो देश अध्याय से। एते फल होत कोट तीर्थ नहाए माए, बीते फल होत एक राम नाम गाए से। आप सत्य को में यज्ञ करते रहो, द्वापर में सत्य को में तपस्या करते रहो, द्वापर में यज्ञ करते, त्रेता में यज्ञ करते रहो और द्वापर में भजन करते रहो, लेकिन दान करते रहो। और कलयुग में तो केवल एक बार राम का शब्द कह दो, कलयुग ये का पुनीत प्रताप, 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 कलयुग ये पुनीत प्रताप, कलयुग ये कलयुग एक।